कैसे हो बाबूजी तो आप? ठीक है बेटा। मतलब मैंने देखा आप ये क्या बेच रहे हो? ये हेडफोन बेच रहा हूँ बेटा। हेडफोन के साथ में कुछ और नहीं? और कुछ नहीं, ओनली हेडफोन। कितने रुपए की एक? ये 500 रुपए की बेच रहा हूँ। अच्छा, क्या रुपये बच जाते हैं बाबा अगर एक हेडफोन आप बेचते हो तो? बच जाते हैं 20 रुपये एक हेडफोन पे। हाँ, एक पे 20 बच जाता है मतलब। बिकता ही नहीं है कोई, दो कभी 2-20 बिकता है, कभी 3, कभी 4, इससे ज़्यादा कभी नहीं बिकता है। पूरे दिन में? पूरे दिन। पूरे दिन मतलब कितने बजे आ जाते हो आप दिन में? मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, दोपहर को 12-1 बजे चले जाता हूँ, 3 बजे फिर आ जाता हूँ। 3 बजे फिर दोबारा आ जाते हो? हाँ, फिर शाम को खाता हूँ। शाम को कभी बिकता है कभी नहीं बिकता, 6 बजे तक खा बेचता हूँ, 6 बजे के बाद घर चले जाता हूँ। आप लगभग पूरा दिन मेहनत करते हो, एक दो घंटे का ब्रेक लेते हो दिन में बस? बस कभी 70 रुपया बैठता है, कभी 80 रुपया बैठता है, और उनसे ज़्यादा नहीं बैठता। अच्छा, अगर बाबूजी आपको ऐसा हो जाए कि 4-5-6 दिन की आपको या 8 दिन की मतलब 1 दिन में अगर कमाई हो जाए तो आपको मतलब कितनी खुशी होगी? बहुत होगी। तो आपकी ये हेडफोन क्योंकि अगर मैं ले भी लूँ तो ये तो मैं ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप, उम्र कितनी है बाबूजी आपकी? 65 साल की उम्र है आपकी। तो इतनी उम्र में इतनी आप मेहनत कर रहे हैं बाबूजी, क्या करना है? घर में कमाने वाला कोई नहीं? अच्छा, घर में कोई नहीं कमाने वाला? एक लड़का है वो भी घर बैठा हुआ है, एक लड़की है वो भी घर बैठी है। अच्छा, लड़की भी है तो मतलब अभी उनकी शादी नहीं हुई है? नहीं है बाबूजी। उदास मत हो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो होगा मैं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़ी दिक्कत है मतलब पर डे आप ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं, फिर पूरे दिन मेहनत, काम धंधा कोई नहीं है। मैंने देखा कि सोचता हूँ किसी से मांगने से 10 रुपया बीड़ी का किसी से मांगूंगा। मांगने से अच्छा है कि मतलब खुद में मेहनत करो। हाँ, जो भी है सही बात है बाबूजी। मैं आपको रख लीजिए, अपना एक छोटा बेटा समझ के रख लीजिए, नई वाली बात नहीं है ये। मैं आपकी मेहनत को देख के दे रहा हूँ बाबू जी, ये कोई भीख नहीं है, ये बस ये समझ लो कि मतलब ऊपर वाले ने भेजा है मुझे आपके लिए, जो भी मैं मदद कर पा रहा हूँ जिस भी लायक हूँ बाबू जी, ये रख लीजिए आप, बस मुझे दुआ दीजिए आप ताकि मैं। अरे नहीं बाबू जी, आप मेरे बड़े हैं, आप ये नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? और आप ऐसे अपना और सामान खरीदें, मैं इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ। याद दिया है मेरे लिए, सही बात है, ठीक है बाबूजी हैं? जितना पैसा आपने दिया मैं 10 दिन में इतना दर्शन मानूँ? ना बाबूजी, आप आराम करें, बाकी और सामान खरीदें, और कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो वो आप खरीदें, ठीक है बाबूजी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी।